तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MHT CET का एक नया अपडेट, जिसमें आपने जो भी ऑब्जेक्शंस लिए थे क्वेश्चंस को लेकर। आपका एग्जाम कब हुआ था? 5 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में MHT CET का एग्जाम हुआ, बराबर। उसके बाद री एग्जाम भी हुआ कुछ लोगों का, बारिश की वजह से जो भी रीजंस होते हैं, तो री एग्जाम का चांस दिया गया था, बराबर। वो एग्जाम हुआ 29 तारीख को, बराबर। उसके बाद कुछ बच्चे, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि पेपर में बहुत गलतियां थी, मतलब क्वेश्चंस में गलतियां थी, ऑप्शन में गलतियां थी, तो इसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो गए आंसर के आने के बाद। तो उसमें एक आपको एक और मौका दिया था ऑब्जेक्शन के लिए 2 सितंबर को, एक लिंक ओपन किया। जितने भी लोग ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, आप बस अपना जो भी डिटेल बताइए, क्वेश्चन नंबर वगैरह, उसके हिसाब से आपका जो भी शिफ्ट था, सेशन था, तो वो हो चुका था। तो उसके बाद जो भी आंसर की आया है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कई सारे क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं भी हुए हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो देखते हैं क्या है एक्चुअल नोटिफिकेशन MHT CET का। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने बोला है साफ साफ कि यहाँ पर बोला है ये 8 तारीख का नोटिफिकेशन है, बराबर। और उसमें बोला है PCM ग्रुप का, यहां पर देखते हैं, पहले देखिए यहां पर PCM ग्रुप की बात करते हैं, बराबर। तो उन्होंने क्या बोला है, PCM ग्रुप का जो भी आया था नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस कितने आए थे, टोटल 477 आए थे, बराबर। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन IDs कितने हैं, 154, बराबर। क्योंकि 477 में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्शन बच्चों के रिपीट भी हुए होंगे, तो उसमें से यूनिक जो होते हैं तो 154 थे। PCB के लिए कितने थे, 23 में से 19 यूनिक थे, मतलब क्वेश्चन IDs, पर उसके बाद ग्रैंड टोटल कितना हो गया, ये 477 प्लस ये 23 करेंगे तो 500 हो गया, बराबर। और उसके बाद उसमें से और ये दोनों का टोटल कितना हो गया, 173। तो टोटल नंबर ऑफ IDs रिजॉल्व, इसमें से कितने क्वेश्चन IDs को रिजॉल्व किया गया है, 25, ठीक है। और ये किसने रिजोल्व किया, यहां पर बोला हुआ है 500 नंबर ऑफ रेज्ड ऑब्जेक्शन इंक्लूड 173 यूनिक ऑब्जेक्शन IDs, 500 में से 173 ही यूनिक थे, मतलब रिपीटेड उन्होंने कटा दिए, तो 173 थे टोटल। तो चीफ मॉडरेटर एंड मॉडरेटर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब लोगों ने ये चेक किए और उसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया, तो वो यहाँ पर बताया गया है कौन से 25 रिजॉल्व हुए हैं, ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है आपका, ये देख सकते हो आप क्या है ये एग्ज़ाम, जिस डेट को आपको एग्ज़ाम हुआ था, कई लोगों का 6 तारीख को, कई लोगों का 10 तारीख को हुआ था, कई लोगों का 8 तारीख को हुआ था, ये फिजिक्स सब्जेक्ट मीडियम, और क्या चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन IDs है यहाँ पर, और उसमें क्या चेंज हुआ है, चेंज इन आंसर की में चेंज किया गया है, और क्यों चेंज किया गया है, क्योंकि कुछ तो गलत हुआ होगा, बराबर। मतलब उन्होंने ऑप्शन में गलती की होगी या फिर कुछ हो सकता है। तो वहां पर दूसरे क्वेश्चन का कह सकते हैं, नन ऑफ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसमें से एक भी करेक्ट नहीं था, इसलिए जब जब ऐसा होगा तो उनको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर कौन से क्वेश्चन के लिए फुल मार्क देने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन के लिए आंसर की में चेंज किया गया है, पूरा डिटेल दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बराबर। उसके बाद हम अगला पेज भी देखते हैं नोटिफिकेशन का, बराबर। तो ये वाले पेज में अगला हमको डिटेल में दिया गया है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि फिजिक्स का हो गया, फिर केमिस्ट्री का भी है। केमिस्ट्री का जो है, मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था 9 से 12 के बीच में केमिस्ट्री का, इंग्लिश मीडियम, ये क्वेश्चन IDs है, वो इनकरेक्ट था, तो उसके फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने वो आंसर गलत लिया हो या फिर सही दिया हो, डजेंट मैटर, वो क्वेश्चन के लिए सबको फुल मार्क मिलेंगे। हो सकता है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको ही फुल मार्क मिलेंगे, बराबर। अब यहाँ पर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए फुल मार्क है, ऐसे कई क्वेश्चंस थे जिनको एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था वहाँ पर, तो उसके लिए भी फुल मार्क्स है। ऐसे कई क्वेश्चंस थे यहाँ पर, आप देख सकते हो दो ऑप्शन करेक्ट थे, तो उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ऐसे सारे केसेस, और जहां पर आंसर की में चेंज करना चाहिए वहां पर आंसर की में भी चेंज किया गया है,
मतलब कुछ गलतियां अगर क्वेश्चन पेपर में हुई थी, क्वेश्चंस में हुई थी, ऑप्शंस में हुई, तब आपको फुल मार्क्स वहां पर दिए गए हैं। और उसके नीचे एक उन्होंने चीज बोली है, एमएचटी सीईटी 2022 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड 25 सेशन में टोटल कंडक्ट हुआ था, बराबर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड फॉर अबव एग्जामिनेशन 4400 टोटल क्वेश्चंस थे, चारों सब्जेक्ट के मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बराबर। आउट ऑफ 4400 क्वेश्चंस 15 यूनिक क्वेश्चन आइडिया ऑब्जेक्शंस आर फाउंड वैलिड, बराबर। 15 ऐसे यूनिक ऑब्जेक्शंस थे जो वैलिड थे, जितने भी ऑब्जेक्शन आए, बराबर, 4400 में से। ओके, मतलब यूनिक बोल रहे हैं यहां पर, यूनिक मतलब कई सेशंस में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ होगा, तो उन्होंने वो दो बार नहीं पकड़ा, एक ही बार पकड़ा, ठीक है। एज पर रिपोर्ट सबमिटेड बाय एक्सपर्ट्स, द अबव चेंजेस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डेटाबेस एंड द रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड। मतलब एक्सपर्ट से मतलब जो भी रिजल्ट सबमिट किया है एक्सपर्ट्स ने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, तो क्या होगा, वो रिजल्ट में चेंज होगा, चेंजेस हो जाएंगे और उसके हिसाब से ही रिजल्ट प्रोसेस किया जाएगा। एमएसटी सीईटी स्कोर कार्ड कंटेनिंग परसेंटाइल, स्कोर कार्ड कब मिलने वाला है आपको, पीसीबी और पीसीएम दोनों का, विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स इन देयर लॉगिन, आपका जो लॉगिन होता है उसमें आपको 15 सितंबर कब मिलेगा, 15 सितंबर 2022, मतलब आने वाले 15 तारीख को आपको रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा आपके लॉगिन में, ठीक है। नो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रेज्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय सीईटी से, बराबर। ये जो ऑब्जेक्शंस रिजॉल्व हुए हैं, अब कई लोग बोले कि सर मेरा ऑब्जेक्शन तो रिजॉल्व नहीं हुआ, वो तो गलत था लेकिन आपने उसको कंसिडर नहीं किया, तो ऐसी कुछ भी चीज़ें किसी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा ऐसा बोला है, क्योंकि जो भी किया है सब एक्सपर्ट लोगों ने सोच समझ के किया है ऐसा इनका कहना है, बराबर। तो जो भी जितने भी यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाए गए हैं, उतने चेंजेस होके आपको मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको फुल मार्क्स देने को वादा किया है वो आपको मिलेंगे, डोंट वरी, बराबर। तो आई होप सबका जो डाउट था आंसर की को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, ऑप्शंस को लेकर, वो क्लियर हो गए, और उसके हिसाब से सीईटी सेल ने एक्शन लिया और उसमें करेक्शन किया है, जहां पर उनको लगता है फुल मार्क्स देने चाहिए वहां पर उन्होंने फुल मार्क्स दिए, जहां पर उनको लगता है आंसर की में चेंज करना चाहिए वहां पर उन्होंने आंसर की में चेंज किया है। तो आप फिर से जाइए और देखिए, आपके मार्क्स रिवैल्यूएट कीजिए और देखिए कुछ चेंज होते हैं क्या, बराबर। मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ सकते, बहुत सारे लोगों के मार्क्स थोड़े बहुत बढ़ तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 5-6 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है, 15 तारीख को आपको ऑफिशियली पता चलेगा कि आपको सीईटी में कितने मार्क्स मिले हैं, बराबर। तो ये जो नोटिफिकेशन है जिनको पता नहीं है उनके साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लिए, क्योंकि एडमिशन से लेकर करियर तक ये चैनल आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि तब तक आपको ये चैनल हेल्प करेगा, बराबर। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है आपको। तो इस वीडियो में यहाँ पे रुकते हैं, करते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो में, और एक बात